मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर कितना बदल रहा है, इसका जो अंदाजा है वो आप इस बस से लगा सकते हैं, क्योंकि अब से गोरखपुर में इस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बस है लेकिन चलेगी नहीं, और इस पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मोबाइल पिंक टॉयलेट। मतलब मिशन शक्ति के अंतर्गत, नारी शक्ति के अंतर्गत, उसकी अवधारणा के अंतर्गत RRR फॉर्मूले पर, यानी रियूज, रिसाइकल और रिड्यूस के अवधारणा पर इस बस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बस का मोटी मोटा तौर पे आप ये समझिए कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा एक अनूठी पहल, अब जिंदगी होगी आसान हर पल के लिए। नगर निगम गोरखपुर द्वारा RRR की अवधारणा पर निर्मित अनूठी पहल मोबाइल पिंक टॉयलेट। और इसमें सबसे बड़ी बात बताऊँ कि यहाँ पे महिलाएं इसको यूज करेंगी और महिलाएं ही संचालित करेंगी। इस बस का एक खास मोटिव यह है कि ताकि महिलाओं के और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे जाया जा सके। आगे की चीजें आपको दिखा देते हैं, फिर अंदर आपको बताते हैं कि अंदर क्या चीजें मुहैया कराई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी कैफे भी लगा है, कैफेटेरिया का एक व्यवस्था कराया गया है। और साथ में मैं सहयोगी से कहूंगा जरा इधर आए, और जिस पे ये लिखा हुआ है कि मिशन शक्ति यानी नारी की सुरक्षा, सम्मान और नारी स्वावलंबन, इसके अंतर्गत जो है इस बस का इस्तेमाल किया गया है, महिलाओं द्वारा संचालित है और स्वयं सहायता समूह की। अब इसके अंदर की सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। एक लोग मौजूद हैं जो बाहर से आए हैं और इसकी जो बनावट है उसको एक रूप दे रहे हैं। ये बस है, हालांकि ये बस चलेगी नहीं, ये रुकी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महिला इसको संचालित कर रही है, तो निश्चित तौर पे ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बेहतर चीज़ें हैं। आगे बाकी आगे की बात जो है हम आप इनसे मिलाते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए सर। क्या नाम है? देवीदास रोड़े। तो कहाँ से आए आप? हम ये पुणा से आए हैं, ये बस डिजाइन करने का काम करते हैं। तो बस डिजाइन करने का काम, तो और भी कहीं आपने किया इस तरीके का बस डिजाइन? बम्बई में 6-7 बस लगी है, पुणा में 10 लगी है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में। तो आपने ही किया है? हाँ, हमारे एक मतलब बढ़िया अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको। चलिए बता दीजिए इस बस की क्या खासियत है। ये बस की ये खासियत है कि महिलाओं को अन्य टॉयलेट में जाने के लिए बहुत और लगता है, अनहाइजीनिक होता है। हाँ, तो ये बस में आने के बाद उनको नहीं कहे, वो 10 मिनट के लिए पूरा एकदम रेस्ट एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अंदर जो रहेगी वो महिला ही रहेगी। वो अगर एक छोटा मतलब ये आपको ज़रा समय दिखाने की कोशिश करूँगा। ये स्टीयरिंग है और यहाँ पे महिला बैठेगी। हाँ, ये स्टूल है, ये स्टूल पे महिला बैठेगी और एक रजिस्टर में नाम नंबर का एंट्री कर लेंगी उनकी। जो लोग आएंगे अगर छोटा बच्चा है उनके पास 1-2-3 महीने तक का, तो बच्चा के लिए यहाँ पे सुलाने का व्यवस्था किया है, सुलाने की व्यवस्था भी कराई गई है ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, यहाँ पे बच्चों को सुला सकते हैं। जो महिला रहेगी वो ख्याल रखेगी बच्चे का, 10 मिनट के लिए जो महिला अंदर जाएगी उसके बच्चे। अच्छा, देखिए अभी अचानक से ये फैन भी चलने लगा। नहीं, वो लाइट चला गई थी, लाइट आ गई है अभी तो। ये सेंसर वगैरह का कोई प्रॉब्लम? हाँ, वो टॉयलेट में सब सेंसर है, वहाँ पे सामने जाने के बाद लाइट लग जाता है, वापस बंद हो जाता है। लाइट जो है जब अंदर टॉयलेट की एंट्री करेंगे तो लाइट जल जाएगा। तो यहाँ पे सैनिटरी पैड वगैरह की व्यवस्था, आगे चलते रहिए। आगे जब मैं जरा सही, जो महिलाओं के लिए जो चीज़ लगेगी वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। चलिए कैफेटेरिया दिखा दीजिए साथ में। तो यहाँ पे मतलब अगर जब इसके अंदर घुसेंगे तो ये सेंसर जो है अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा, लाइट स्टार्ट करेगा। ठीक है, 3 इंडियन ये सीट है और एक वेस्टर्न सीट है। वेस्टर्न सीट भी यहाँ पे लगी हुई है, मतलब अगर आप वेस्टर्न इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की सीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इंडियन के लिए तीन अलग से बनाए हैं। वॉश बेसिन है यहाँ पे, तो किसी महिला को नहीं क्या कहीं फ्रेश होने के बाद कहीं सजावट करनी है, हाँ, हाथ वगैरह धुलना है, हैंड वॉश करना है और सारी चीज़ें वो यहाँ कर सकते हैं, मेकअप वेकअप करना है कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। चार्जिंग पॉइंट है या किसी और चीज़ के लिए? नहीं, चार्जिंग पॉइंट भी है। हाँ, अगर किसी को 5-10 मिनट का चार्ज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये और ओपन थोड़ा सा है, ये एग्जॉस्ट है, अंदर की जो हवा है वो बाहर जाएगी, बाहर की फ्रेश हवा अंदर आएगी, उसके लिए एग्जॉस्ट दिया है। और यहाँ पे एक कैफी एरिया है, तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कैफी एरिया में जो भी महिला को लगने वाली चीज़ है वो रखा जाएगी, और जो भी रेडीमेड आइटम है, पैकिंग आइटम है, जहाँ वो 4-5 दिन के लिए ख़राब नहीं होते, ऐसे आइटम महिला के लिए यहाँ पे, हाँ, खाने के लिए मिल सकते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे ये सेनेटरी पैड वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कराई गई? हाँ, सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, तो मतलब जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको पे करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी? वो नगर निगम के ऊपर है। हाँ, वो अभी तो मतलब अभी तक आपने जहाँ जहाँ करवाया है, मतलब जहाँ जहाँ पे आपने बस का इस्तेमाल करा, 80% पे ही चल रहा है। पे चल रहा है, कितना रुपए चल रहा है इसका? कुछ बस कुछ 5 रुपए से चल रहा है। 5 रुपए? 5 रुपए से मतलब ठीक ही ठाक है। ठीक है, आमतौर पे आप जाएंगे तो 10 रुपए जहाँ देना पड़ता है, यहाँ पे 5 रुपए देना। क्या है, अगर फ्री रखेंगे तो जो भी लोग यूज करते हैं वो ठीक से यूज नहीं करते। वो पे करने के बाद उनको एहसास हो जाता है कि अपना कुछ पैसा गया है, तो वो ठीक से यूज करके चला जाते हैं। अच्छा, तमाम जगह पे आपने काम किया, तमाम बसें बनाई। हाँ, तो क्या किस तरीके का जो रिजल्ट है वो देखने को मिला? सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि अभी तक कोई बस की कंप्लेंट नहीं किया कि अंदर गंदगी है। पूरा एकदम साफ सुथरा मिलेगा, जो भी महिला रहती है उसको तंका दिया जाता है, तो एकदम पूरा क्लीनिंग एरिया रहेगा, क्लीन रहेगा। हाँ, अच्छा एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपको कि ये RRR के अवधारणा पे बनी हुई है, RRR की अवधारणा पे, तो इसका क्या? वो उसका यही है क्या, कबाड़ से जुगाड़, वो रिसाइकल किया हुआ करने का। हाँ, तो मतलब ये यूज में भी आएगा, चीजें जो है इससे कराई जाएंगी। हाँ, इससे कराई जाएंगी, तो मतलब इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, तो बाकी अभी मैं आपको ये गोरखपुर में, तो अच्छा ये यहीं पे खड़ा रहेगा, इसका कुछ आपको आइडिया है? नहीं, अभी वो तो नगर निगम वाले तय करेगा कि कहाँ पे खड़ी रहेगी, लेकिन इसको ले जाया जा सकता है या चल सकता है बस? नहीं, इसको टोचिंग करके लेके जाना पड़ेगा। टोचिंग करके ले जाना पड़ेगा। हाँ, ये बस का खाली बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है, टेक्सचर है, स्ट्रक्चर दिया गया है। नहीं, बस ही है। हाँ, उसका ही टेक्सचर है। हाँ, अपन खाली अंदर डिजाइन किया है। हाँ, अच्छा। हाँ, तो मतलब ये चलेगा नहीं? चलेगा, चलेगा नहीं, इसको टोचन करके ले जाना पड़ेगा। चलिए, तो फिर अभी हम इस मोबाइल पिंक टॉयलेट में मौजूद थे। महिलाओं के लिए गोरखपुर में एक अद्भुत व्यवस्था कराई गई है, और ये व्यवस्था इसलिए हो पाई है क्योंकि योगी की सरकार है, और गोरखपुर में किस तरीके से गोरखपुर बदल रहा है महिलाओं के लिए, इसका जीता जागता उदाहरण आपको ये पिंक मोबाइल टॉयलेट आपको देखने को मिल सकता है। RRR फॉर्मूले के अवधारणा पर ये बना हुआ है, और नरेंद्र मोदी का जैसे जिस तरीके से है मिशन शक्ति को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, उस अवधारणा पर इसको तैयार किया गया है। बस के फॉर्मेट का है, स्ट्रक्चर उसका जो है वो बस का है। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए टोचन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं के लिए और महिलाएं द्वारा ये संचालित हो रहा है, नीट एंड क्लीन रहेगा, एक कैफेटेरिया दिया गया है। अगर आपके पास 2-3 महीने का एक शिशु नवजात है तो उसके लिए व्यवस्था कराई गई है कि वहाँ आप उसको लेटा सकते हैं, वहाँ पे वो बैठ सकता है, और उसके बाद आप यहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हैं, उसके लिए एक बढ़िया जो है व्यवस्था कराई गई है। वेस्टर्न टॉयलेट है, 3 जो है इंडियन टॉयलेट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिला जुलाकर गोरखपुर की महिलाओं के लिए एक सौगात के रूप में नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है आप इस बस को मान सकते हैं। बाकी ऐसे अन्य खबरों के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ, और अगर इस बस के ऊपर आपका जो ख्याल है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।